छत्तीसगढ़ से है, बिरनपुर में बीजेपी के सवाल दरअसल। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में दो समुदायों के बीच तनाव के बाद हिंसा पर राजनीति अब भी जारी है। चुनावी साल में ये मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। बहरहाल भाजपा ने पीड़ित परिवार की तरफ से आवाज उठाई। आपको बता दें कि इसी महीने 8 तारीख को बेमित्रा के बिरनपुर में हुई हिंसा में मुनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद आसपास भारी तनाव फैला, हिंसा, आगजनी, पथराव हुआ। वहीं विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया और आगजनी हत्या के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं दो दिन बाद दो और लोगों की हत्या कर दी गई। हालांकि भुवनेश्वर की मौत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। इधर इस मामले में राजनीति थम नहीं रही, लेकिन अब भाजपा के नेता आज बिरनपुर जाने वाले हैं, जहां वे पीड़ित परिवार से भेंट करेंगे। इस दल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी होंगे। इस मामले में भाजपा नेता केदार कश्यप ने सरकार पर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं को बिरनपुर जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें पीड़ितों से मुलाकात करने जाना चाहिए, लेकिन वहां धारा 144 है, इसका भी ध्यान रखें। की जो घटना है ये केवल बिरनपुर या फिर बेमेतरा की घटना नहीं है, पूरे प्रदेश पूरे देश को स्तब्ध करने वाली घटना है। और जो असामाजिक तत्व हैं, वो असामाजिक तत्वों के माध्यम से जिस तरीके से समाज में एक आतंक फैलाने का और जो व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, कहीं न कहीं से उसमें कांग्रेस के विधायक मंत्रियों का सहयोग है और उनके लोग आज तक एक शब्द नहीं बोलते ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ में। ये इससे बड़ा समर्थन और क्या हो सकता है। और उसी बात को लेकर के हमारा विधायक दल आज वहां पर जा रहा है, बिरनपुर जा रहा है और वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेगा। पहले भी जा चुके हैं दो दो तीन तीन बार, जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां 144 धारा शायद लगा है तो उसका उस नियम का पालन करना चाहिए। और सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। अनुराग जी, आपसे समझना चाहेंगे, आज फिर दौरा हो रहा है बिरनपुर में, कांग्रेस कह रही है कि कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति करने की कोशिश है इस पूरे मसले पर। देखिए, मैं बार-बार कहता हूं कि इतने संवेदनशील मसले पर कांग्रेस का ये बयान क्या उचित है? क्या ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है? जितने भी बातें कह रहे हैं वो मृतक के पिता कह रहे हैं। आप मृतक के पिता क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, मैं सबसे बार बताना चाहूंगा। मृतक के पिता स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अंजोर यदु नाम का आदमी, जो रविंद्र चौबे का आदमी है और गांव का माहौल लगातार खराब किया, उसने आतंकियों को बताया कि वे तेली समाज पर हमला करें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई बार इस बात को दोहराया है कि अंजोर यदु लगातार कहते रहा कि रविंद्र चौबे के लिए 360 गांव है, एक गांव का अगर तेली वोट नहीं देगा तो क्या होगा, इनको मारो। आज तक क्या अंजोर यदु की गिरफ्तारी हुई क्या? आज से पहले तो उस रशीद खान की गिरफ्तारी भी नहीं हुई थी जिसके नाम FIR में आरोपी कहा जाता था। कल जब भाजपा का विधायक दल वहां जाने की बात की, इसकी घोषणा की, तब दबाव में कल रात को पुलिस उसको उठाई है। इतनी बड़ी संवेदनशील घटना, और ये घटना न केवल आज है, इसके पीछे की घटना जो लगातार 3-4 साल से वहां पे चल रहा था, पुलिस ने वहां पे कभी भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई, तत्परता नहीं दिखाई। अगर तत्परता और संवेदनशीलता दिखाती तो ये घटना नहीं होती। और उससे भी एक बात कहना चाहता हूं, इस घटना के बाद पूरी पुलिस थी, उस क्षेत्र को पुलिस ने छावनी बना दिया था, उसके बाद दो लोगों की हत्या होगी, ये भी प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज है कि वो हत्या हो कैसे गई, इस पर ही अगर कोई षड्यंत्र है तो उसकी जांच करनी चाहिए। इस छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद लगातार इस सरकार की नाकामी के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप बात कर लीजिए नारायणपुर की, आप बात कर लीजिए जगदलपुर की, आपको कवर्धा याद होगा, कवर्धा में कैसे मंत्री जी आतंकियों के साथ खड़ा होते हैं और भगवा का अपमान होता है, और वहां पे देश प्रदेश में पहली बार धर्म के नाम पे दंगे होते हैं और कर्फ्यू लगता है। ये सरकार कर क्या रही है कुछ समझ में आ नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, जनता परेशान पड़ी है, और फिर भी ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो ये कांग्रेस कर रही है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जब प्रतिक्रिया ली गई इस विषय में कि बीजेपी का दल वहां मिलने जा रहा है, उन्होंने कहा कि ठीक है मिलने जाएं, कई बार पहले भी जा चुके हैं उन्होंने कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वहां धारा 144 है। तो क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? मुझे एक बात बताइए, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश की जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। घटना को आज 14-15 दिन से ऊपर हो गए हैं, 13वीं तक हो चुकी है बच्चे की,
एक बार भी क्या वहां के स्थानीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, रविंद्र चौबे की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वहां पर जाए, क्या प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी नहीं बनती थी वहां पर जाए? उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो अपने आका को खुश करने के लिए आप आधे घंटे के अंदर जब वो उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हैं, वहां मुआवजे की घोषणा कर देते हैं, और यहां भी वो जाते तक नहीं है। इतनी असंवेदनशीलता क्यों, क्यों इतनी नफरत है आपको छत्तीसगढ़ के अपने निवासियों से, क्यों इतनी नफरत है छत्तीसगढ़ का हिंदू बच्चा खत्म हो उससे? ये भूपेश बघेल को बताना पड़ेगा। आज जब हमारा विधायक दल जा रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। धारा 144 क्या कब तक लगा के रखेंगे, कब तक आम जनता को वहां का सच छुपा के आप रखेंगे? ये जो धारा 144 लगाई है वहां का सच लोगों को जानकारी न हो इसलिए लगा के रखी है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेंद्र जी आपसे समझना चाहेंगे, अनुराग जी पूछ रहे हैं कि कब तक वहां इस तरह लगा के रखेंगे, और साथ ही साथ ये आरोप भी है बीजेपी का कि सरकार का पूरा संरक्षण है असामाजिक तत्वों का। भारतीय जनता पार्टी को अपने पाप याद आ रहे हैं। लखीमपुर की घटना से तुलना करते हैं, जिस बेशर्मी से ये जायज ठहरा रहे हैं, पूरी दुनिया में इकलौता मामला है लखीमपुर का जिसमें सत्ता में बैठे केंद्र सरकार के मंत्री के पुत्र के द्वारा किसानों के सीने पे जीप चढ़ाई गई थी। उस घटना की तुलना दुनिया में दूसरे किसी घटना से नहीं हो सकती है। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कवर्धा में भी इसी प्रकार से 144 लगा हुआ था, संवैधानिक पद पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेता नफरत और उन्माद फैलाए। आज बीरनपुर को छोड़ के बाकी सारे क्षेत्रों में 144 हटा ली गई है, तेजी से शांति बहाल हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से उन्माद फैलाने का काम किए, षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से नफरत और हिंसा फैलाए केवल राजनीतिक लाभ के लिए, आज भी इनका यही चरित्र है। इनको ये आज भी चाहे वो नारायणपुर का मामला हो, कवर्धा का हो, बीरनपुर का हो, भाजपा के कोई भी नेता शांति की अपील करते हुए नहीं दिखेगा। यहाँ मैं आपसे समझना चाहूंगी सुरेंद्र जी, एक और बात कही है बीजेपी, कह रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसे न्याय नहीं दिलवा पाए हैं अभी तक आप लोग, क्योंकि विधायकों का मंत्रियों का सपोर्ट है पूरा आरोपियों को। आरोपियों को सपोर्ट होता तो तत्काल गिरफ्तारी 11 लोगों की नहीं हो जाती, और एक और बाकी था वो 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में। कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को संरक्षण देना तो भाजपा का चरित्र है। ओपी गुप्ता रमन सिंह के वजदी थे, 2014 में नामालिक से बलात्कार का आरोप था, 18 तक FIR तक नहीं लिखी गई। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार आग में घी का डालने ठीक है, वैसे सुरेंद्र जी उम्मीद तो थी कि सवाल के जवाब में आंसर मिलेगा, लेकिन सवाल के जवाब में सवाल ही हो रहे हैं, और यही होता है जब बीजेपी कांग्रेस जो एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करती है। लेकिन दुखद ये है कि इसमें हिंसा हुई, इसमें जान गई, और ये बड़ा सवाल ये कि जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जोड़ने के लिए।